गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल माँ का दर्द। शुक्रगुजार हूँ आपकी मेरे वीडियोस देखने के लिए, मेरे साथ शामिल होने के लिए, मेरे दुख दर्द को समझने के लिए और मेरी जो है मज़े मज़े की रेसिपीज ट्राई करने के लिए, जो कि प्रोफेशनल टाइप तो नहीं है लेकिन जो मैं जैसे खाना पकाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों को फीड करती थी, अपनी फैमिली को, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि अपनी जो है मुँह पे कुछ लगा हुआ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो आज आपके साथ आलू बैंगन, ये आलू बैंगन कहते हैं पर हम मैं इसको बघारे बैंगन कहती हूँ। सुना है मैंने कि इनको बघारे बैंगन कहा जाता है, तो मैंने आज मैं बनाने लग रही थी। आपको पता है कि हमारे रोज़े शुरू हो गए हैं, तो इसमें थोड़ा गोश्त वगैरह नहीं खाते हम लोग, तो ये एक अलग से बहस है। बहुत लोग इससे मुतफिक होते हैं, बहुत नहीं होते, कभी इस पर भी बात करेंगे। तो मैं आज आलू बैंगन बनाने जा रही थी, बघारे बैंगन, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आइए मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। तो मैं शुक्रगुजार होंगी, तो मैं कैमरे को भी राउंड करूँगी ताकि मैं आपको अपने बघारे बैंगन की रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स दिखा सकूँ। तो चलें देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है मेरे कॉफ़ी का कप और इस पर देखें कितनी अच्छी वर्ड्स लिखी हुई है, God will make you into what you cannot make of yourself. So, thank you for God for that. ये जो है कि मेरी मसाले वाली चीज़ है। मेरी बड़ी बहन जो है वो कभी मेरे घर आके खाना पकाए तो वो कहती हैं कित्थे तेरी मसालियाँ दी पटारी, तो ये मेरी मसाले की पटारी है। और ये प्याज है, हरी मिर्च, टमाटर, और उसी में ही मैंने अदरक लहसुन पीसा हुआ डाल दिया है। और ये आलू काट के रखे हैं। ये हैं जी छोटे छोटे क्यूट से बैंगन, और इनको मैंने कैमरे को मैं शायद ऐसे करूँ, ये देखें मैंने इनको चार टुकड़े काट के, पर वो पूरा काटना नहीं है, तो उसके बीच में मैंने चाट मसाला लगाया है ये। और ये कोई 10 मिनट हो गए हैं इनको मैंने लगा के रखा हुआ है। ये देखें ऐसे चार फूल की तरह के चार हिस्से किए हैं और उसके अंदर चाट मसाला है। तो ये मेरी रेसिपी है, और ये जो चाट मसाला है ये कोई शान का और कोई वो जो दूसरे हैं उनका नहीं है, ये मेरा भाई है कराची में, तो उन्होंने स्पेशल वो मसाले लेके उनको साफ छांट काट क्या जो भी करते हैं पिसवा के भिजवाए हैं, तो वो बहुत अच्छा और मज़े का, और इसको हमारी ज़बान में हम कहेंगे ऑर्गेनिक है। तो थैंक यू टू माई ब्रदर। और ये आप देख सकते हैं काजू आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं आलू बैंगन बना रही हूँ, बघारे बैंगन, आलू बैंगन नहीं कहना चाहिए, ये स्पेशल है बघारे बैंगन, तो इसमें काजू का क्या काम है? तो हम अभी आपको इसके बारे में बताते हैं। और अगर याद रहे तो दाऊद को काजू बहुत पसंद होते थे, तो मैं अक्सर अपने खानों में यूज़ करती हूँ, और इट्स एन एक्स्ट्रा प्रोटीन और ऑयल्स और अच्छी चीज़ है, दैट्स गुड थिंग टू यूज़। और ये आपको मेरी ऑयल की बॉटल नज़र आ रही है जिसके ऊपर कुकर बना हुआ है, ये कुकर का ऑयल नहीं है, इसमें एवोकाडो ऑयल है जो मैंने अपनी वो बहुत बड़ी बॉटल है, मैं यहाँ से बड़ी बॉटल में मिल जाता है कुछ स्टोरों पे एवोकाडो का ऑयल, तो मैं उसको छोटी बॉटल में इजी, जो मेरे हाथ, अगर आपने कैमरे में देखे हो तो मेरे हाथ थोड़े कमज़ोर हैं, तो मैं फिर छोटी छोटी चीज़ों में ही डाल के रखती हूँ। मेरी कैंडल, आपको पता है इस घर के अंदर थोड़ी स्मेल हो जाती है हमारे खानों से, तो कैंडल मैं जब भी खाना बनाऊँ तो ज़रूर जला लेती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ, पर मोस्टली वीडियो के लिए तो जलानी पड़ती है ना, तो वो जला ली, पर अक्सर ही जला के रखती हूँ। दाऊद के उधर तो कैंडल ऑलवेज जली ही रही होती है। ये मेरा ब्लेंडर आपको दिखाऊं, और आप कहेंगे कि आम सब्ज़ी में ब्लेंडर का क्या काम, तो हम अभी आपको वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं बघारे बैंगन बनाना। मैंने एक दफ़ा लंदन में अपनी बहन के पास गई थी तो वहाँ बनाए थे, तो मेरे जो बहनें हैं उनके हस्बैंड उनको बहुत पसंद आए थे, तो वो मेरी दीदी को कहते थे कि सीख लो इससे तो फिर आप भी ऐसे बनाया करो। तो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ सिंपल। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा जब रेसिपी शेयर करती हूँ तो मैं चीज़ें पहले से काट कूट के रख लेती हूँ। एक तो मेरे हाथ थोड़े वीक हैं तो मुझे देर लगती है, तो मैं नहीं चाहती वीडियो लंबी हो, और दूसरा जो है जब आप ऐसे काट छांट के चीज़ें रख लेते हैं पकाने से पहले, तो जो किचन है वो बहुत साफ़ सुथरा रहता है, आप जो है वो ट्रैश पहले से ही कर लेते हैं, धो धा लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए कैमरे को पास करूँगी ताकि मैं चूल्हे की तरफ जा सकूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें अपना ऑयल डाल दिया, और इसमें ऑयल जो है
बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और एक बात ये, आप इसको अगर सरसों के तेल में बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा सा बनता है, लेकिन मैं सरसों का तेल यूज़ इसलिए नहीं कर रही कि यहाँ हमारे सरसों का तेल तो मिल जाता है लेकिन वो बहुत प्योर होता है तो वो आँखों को बहुत लगता है, तो घर में भी वो बहुत ज़्यादा, तो फिर बच्चे कहते हैं कि मामा क्या बना रहे हो, छींके आ रही हैं, ये हो गया वो हो गया, और वो सबसे ज़्यादा वो। अब आप कहेंगे कि प्योर मिलता है सरसों का तेल तो उस पर भी कंप्लेन कर रही हूँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सरसों के तेल में बनते बहुत अच्छे हैं लेकिन उसका जो है वो स्मेल बहुत ज़्यादा आती है और आँखों को बहुत लगता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्योर है। तो आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो उसकी ज़्यादा अच्छी सी अच्छी रेसिपी बनेगी, लेकिन मैं एवोकाडो ऑयल में बना रही हूँ तो ये भी अच्छे ही बनते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ में देखी हूँ तो वो कहते हैं कि घी में ये करें वो करें, लेकिन कुछ रेसिपीज़ हैं जो ये घी में नहीं बन सकता, इसको आपको ऑयल में ही थोड़ा थोड़ा इसको फ्राई करना है। तो आप देखिएगा कि ये देखिए चाट मसाला इसके अंदर अच्छे से लगा हुआ है, ये टूट भी सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर ना टूटें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो फूल से लगते हैं तो कोशिश कीजिए कि ना ही टूटें, लेकिन अगर टूट भी जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं मैंने इधर प्याज रखे हुए दूसरे चूल्हे पे, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम जो काम करने वाले लोग होते हैं हमारे पास इतना ज़्यादा नखरे टखरे का टाइम नहीं होता, तो जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है और अच्छा तो लगता है ना कि हम भी अपनी फैमिलीज को अच्छे अच्छे और मज़े मज़े के खाने खिलाएँ, तो वो ऐसे हैं। तो ये पीछे मैंने प्याज रख दिया है ब्राउन होने के लिए, और ये मैंने जो आपको अदरक लहसुन और टमाटर हरी मिर्ची और काजू दिखाए थे वो मैंने पीस लिए ताकि उसमें शोर ना आए, तो ये वो पीस के रखती हूँ। और ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं मेरी मसाले की तैयारी और आलू, और ये जो है वो बैंगन हो रहे हैं, तो अभी थोड़े से बैंगन हो जाए तो फिर मिलते हैं। ये देखिए एक साइड से जो हैं वो हो गए हैं, आई होप के आपको नज़र आ रहे हैं, एक साइड से बैंगन हो गए हैं, अभी इनको मैं साइडिंग की चेंज कर रही हूँ और इनको दूसरी साइड से भी थोड़ा सा कर लें। और उधर मेरे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, ये देखिए ये बैंगन जो हैं वो एक साइड से थोड़े से इस तरह के हो जाते हैं, तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप ग्रिल पे कर सकें तो फिर इससे तो और अच्छा हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं घर के अंदर कर रही हूँ तो आपको नज़र आ रहे हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं मुझे। आपको मैं आपको सच बताऊँ, मेरे घर में बैंगन किसी को भी पसंद नहीं होते थे, कोई भी नहीं खाता था, तो मैं फिर इस तरह के छोटी छोटी रेसिपियाँ काट कर आके बनाने की कोशिश करती थी ताकि बच्चे जो हैं वो शौक से खा सकें। तो और दूसरी बात ये कि मैंने बैंगन एक दफ़ा अपने गार्डन में लगाए, तो उस मैंने फर्स्ट मैं खुद भी जब सब्जियां वगैरह खाने में बहुत वो करती हूँ कि नहीं खाती मेरे भी नुकसान, तो पर जब मैंने अपने घर में लगाए और ताज़ा बैंगन बनाए तो उनकी बात ही और थी। मैं ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक, क्योंकि वो मैंने चाट मसाला डाला हुआ है, थोड़ी सी दरदरी मिर्च, मुझे दरदरी मिर्च बहुत पसंद है, हर सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी, और जब भी आप हल्दी इस्तेमाल करें तो काली मिर्च इस्तेमाल करें तो हल्दी ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि काली मिर्च के बगैर हल्दी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थोड़ी सी लाल मिर्ची में डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली है और जो चाट मसाला है उसमें भी ज़रूर वो मिर्ची तो होगी, तो ज़्यादा मिर्ची खाते नहीं हैं हम लोग, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मसाला आप ज़्यादा या कम अपने स्वाद अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये
कैमरे के पास लेके आती हूँ ताकि आप देख सकें कि ये जो है हमारा ये है, ये देखिए ये हमारा बन रहा है मसाला, उसकी ग्रेवी। आलू मैंने पास रखे हुए हैं और ये देखिए बैंगन कितने अच्छे लग रहे हैं, वो एक साइड से हो गए हैं, दूसरी साइड से हो रहे हैं। सो अगर आप ग्रिल पे कर लें तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आपने घर के अंदर करना है तो इस तरह आप बिल्कुल हल्की आँच पे आप कर सकते हैं। मैं खाना जो है वो हल्की आँच पे बनाती हूँ, जल्दी जल्दी में जल जुल जाता है। मैंने आपको बताया है कि मेरी रेसिपीज जो हैं वो दुनिया से अलग ही होती हैं। तो ये देखें बैंगन जो हैं वो उसी साइड से भी हो गए हैं। अब हम चूल्हे को बिल्कुल आहिस्ता बंद कर देंगे और उसका ग्रेवी का तरफ ध्यान देते हैं। कितने प्यारे लगे हैं, इस तरह बैंगन आप बना के देखें, बुजारे बैंगन इनको कहते हैं। एक दफ़ा मैं हमारे चर्च में कोई फंक्शन था तो मैं वहाँ बना के लेके गई थी तो सबको बहुत पसंद आए थे। तो उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएंगे। तो आप जो ये देखें उसका ग्रेवी बन रही है, बैंगन मैंने तैयार करके साइड पे कर लिए हैं क्योंकि वो फिर ज़्यादा जल जाएंगे या ब्राउन ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर इस तरह ही रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे क्योंकि वो उनका मसाला अंदर तक लग गया है। और ये हम बना, ये जब आप काजू किसी भी चीज़ में डालते हैं तो उसका सिर्फ ये होता है कि ये लग जाता है, तो उसको फिर कॉन्स्टेंटली हिलाना पड़ता है। अब इसमें मैं अपने आलू डाल दूँगी, आलू थोड़े से पहले पकाने पड़ेंगे बैंगन डालने से पहले, तो इसलिए मैं आलू पहले डाल रही हूँ। और इसमें वो जो छोटे वाले गोल आलू मिलते हैं वो भी आप डाल सकते हैं पूरे पूरे, वो तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और बड़े आलू भी डाल सकते हैं छोटे, मैंने आपने मेरी वीडियोस में देख ही लिया होगा मैं हर चीज़ छोटी छोटी करती हूँ। मुझे एक तो ये होता है कि मुझे नज़र आए मैं क्या खा रही हूँ, और एक ये कि वो मसाला जो है वो लगता है हर चीज़ के अंदर। बड़ी बड़ी चीज़ें डालें तो अंदर से मसाला नहीं रहता, तो मैं इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। आपको आलू का बड़ा साइज़ अच्छा लगे तो आप बड़ा आलू का साइज़ कर सकते हैं, आपको छोटा लगे तो आप छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे आलू जो हैं वो गल गए हैं और ये ग्रेवी भी आपको नज़र आ रही है। और ये ज़्यादा ड्राई नहीं बनाते क्योंकि ये जो हैं मुझे पसंद है। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा इसको ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि उबले चावल के साथ हम खाएंगे, आप इसको नान रोटी के साथ जो पतली पतली रोटी होती है उसके साथ आप इसको खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ खा सकते हैं। मेरे दाऊद को नान बहुत पसंद होता था तो नान के साथ खा सकते, तो मैं फिर ऐसे करती थी कि थोड़ा बहुत जो है वो बच्चों के जैसे मैंने काजू डाले हैं तो आप इसकी जगह पे मूंगफली भी डाल सकते हैं उसको ड्राई करके। पर मूंगफली का ये होता है कि पीनट्स का कि वो कभी कभी वो स्मेल छोड़ जाते हैं तो फिर आपका पूरा खाना जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं जो है मुझे मूँगफली नहीं पसंद खानों में डालना। वैसे मुझे पसंद है खाना लेकिन खानों में डालना मुझे नहीं पसंद। ये देखिए इतना ज़्यादा ऑयल नहीं था, अगर आप फ्राइंग पैन में देखें तो बहुत कम ऑयल में मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके किया आपको। कैन यू लुक, ये ऐसे बन के तैयार होंगे और इनको आप बनाएं और अपनी फैमिली के साथ अपने मेहमानों के साथ शेयर कीजिए और हमें भी याद कीजिए। इसके ऊपर आप और तो कुछ भी नहीं डालना, मैंने सिर्फ थोड़ा सा धनिया डालूंगी। आप इसके ऊपर मेथी भी डाल सकते हैं पर मैं इसके ऊपर धनिया डालूंगी। मेरी नीस है कराची में, वो कहती है फूफू प्लेट में निकाल के आप सर्व आउट करके भी दिखाया करें, तो चलें मैं आपको सर्व आउट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखें ये हमारे आलू बैंगन जो हैं बिल्कुल तैयार हैं।